अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो मैं आज बना रही थी पाए। सर्दियाँ वैसे बस अब ख़त्म ही होने वाली है, लेकिन मैंने सर्दियों में जो है वो पाए नहीं बनाए थे, और पाए मेरे बेटे की मोस्ट फेवरेट चीज़ है। तो मुझे था कि वो कह रहा था, तो मुझे था चलो मैं पाए बना देती हूँ, उसके बाद तो पाए खाए नहीं जाएंगे। तो मैंने जो है वेल, आई थिंक वेल उसको बोलते हैं, का जो है वो मंगवाया पाया। और उसके बाद ये था कि इसको कट करवा के अच्छी तरह मैंने साफ़ कर लिया था आटा लगा के, और उसके बाद मैंने इसको जो है स्लो कुकर पे चढ़ा दिया। ये एक दिन पुरानी वीडियो है ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको मैंने, इसमें मैंने नमक डाला, इसमें मैंने हल्दी डाली, और मैं इसमें गर्म मसाले शामिल करूँगी। गर्म मसालों में जो है बड़ी इलायची, दारचीनी के मैंने दो टुकड़े लिए हैं, बड़ी इलायची मैंने एक ली है, और 6-7 दाने मैंने इसमें लौंगे डाली हैं। और इसको इसके बाद इसके अंदर जो है ना 2 अदद मैं डाल दूंगी तेज़पात जो होता है, या बे लीफ आप इसको बोल सकते हैं, तो वो बे लीफ के 2 पत्ते मैं इसमें डाल दूंगी। और इसके बाद मैं इसको चढ़ा दूंगी स्लो कुकर पे, और ये तकरीबन 24 आवर्स तक मैंने पकाए थे। अब आप लोग कहेंगे कि मैंने इसे कुकर में क्यों नहीं पकाया। मैं मुझे जो है ना जो टेस्ट स्लो कुकर में आता है ना, या जिस तरह स्लोली और इसका जो पूरा अर्क निकलता है ना वो स्लो कुकर में होता है, वो कुकर में नहीं होता। तो इसमें ये है कि ये बड़े आराम से, और इतनी बिजली नहीं खर्च होती, बिल्कुल कैंडल वाली लाइट पे, जो कैंडल की जैसी हीट होती है ना उस पे ये बनाता है। अभी तो फिलहाल मैंने इसको गर्म पानी डाला है और उसको मैंने हाई पे कर दिया, उसके बाद मैं इसको लो पे पकाऊंगी, पूरी रात पकेगा। पानी अगर थोड़ा सा कम हो जाता है मैं थोड़ा सा और डाल दूंगी, तो ये इस तरह पकता रहेगा। एंड बिलीव मी, ये इतना अच्छा गल जाता है ना कि इसकी हड्डियाँ अलग, और सारा जो उसका वो गुदा सा होता है वो अलग हो जाता है। खैर एनीवेज, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दही जो मैं जमाती हूँ तो मैं कौन सा दूध लेती हूँ, तो मैंने कहा मैं आज आप लोगों को दिखा दूँ। पहले भी बताया था बट आज मैं दिखा देती हूँ। मैं जमील स्वीट से ये बुफेलो मिल्क लेकर आती हूँ। ये 1 kg के जो है वो पैकेट्स होते हैं, और इसमें इसका दूध बहुत अच्छा होता है, इसके ऊपर बहुत अच्छी मलाई आती है। तो ये दूध हम चाय भी इसी में बनाते हैं, मुझे कुछ स्वीट डिश बना रही होती है वो भी मैं इसी में बनाती हूँ, और दही तो बनाते ही हम इसी में। तो ये जो है अब मैं इसको जो है खाली कर रही हूँ। पैकेट्स में आता है और 220 पर केजी के हिसाब से आता है, तो मैं 3 किलो ले आती हूँ। बड़े आराम से मेरे 3 दिन तो चल ही जाता है, 3 से 4 दिन, क्योंकि दूध वगैरह हम पीते नहीं है। ना बच्चे पीते हैं, पहले तो ज़बरदस्ती पिला देती थी, बड़े हो गए तो इतने शौक से नहीं पीते। चाय वगैरह इसी में बनती है, स्वीट डिश कोई बन जाती है, और चाय और नॉर्मली जिस तरह हम यूज़ करते हैं। खैर एनीवेज, मैंने कहा मैं आप लोगों को दूध दिखा दूं। उसके बाद ये है कि अब मैं बना रही हूँ पाए, और ये जो है पाए के लिए मैंने क्या किया कि मैंने प्याज फ्राई करके उसको निकाल के मैंने ब्लेंड कर दिया। इसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। लहसुन अदरक के पेस्ट शामिल कर लेने के बाद इसके अंदर जो है मैंने डाल दिया है हरी मिर्चों का पेस्ट। हाँ जी, अब इसको मैं भून लूँगी 2 मिनट के लिए, बस, नॉट मोर देन 2 मिनट्स। और इसके बाद अब मैं जो ग्रेवी बनाने लगी हूँ ना, इसका मसाले मैंने डालने। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया जीरा पाउडर, इसके बाद मैंने इसमें डाल दी लाल मिर्चों का पाउडर, और ये कश्मीरी मिर्चें। कश्मीरी मिर्चों से याद रखिए कि जो सालन होता है ना, जो इसकी ग्रेवी बनती है या ऊपर जो तरी होती है, उसका कलर बहुत प्यारा होता है। फिर मैंने इसमें डाल दी काली मिर्चें, और ये जो पाउडर मैंने डाला है ये मैंने सौंठ और सौंफ को मीन्स आधा आधा चम्मच लेके, तो उसको मैंने पीस लिया था, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दी है हल्दी। सौंफ और सौंठ से ना इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। फिर मैंने इसके अंदर डाल दी हल्दी, और मैंने इसको थोड़ा सा पानी का चीटा डाल के ना, तो मैं इसको भूनूंगी, क्योंकि ये ऑयल और मसाले हैं, तो डायरेक्टली अगर हम इसको इस तरह भूनेंगे तो ये होगा क्या कि ये जल जाएंगे। तो जलने का आपने नहीं रखना, आपने थोड़ा थोड़ा पानी का चीटा लगाते जाना है, तो ये सही रहेंगे। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला, तकरीबन आप कह सकते हैं 1 टीस्पून के बराबर, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। नमक मैंने उसकी यखनी में भी डाला था, तो इतना ज़्यादा मैं नमक नहीं डालूंगी। अच्छा जी, उसके बाद ये था कि मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया, और हमारे जो पाए थे वो हो गए थे रेडी। अच्छा जी, अब ये जो ग्रेवी मैं बना रही हूँ, इसमें मैंने वो जो प्याज फ्राई किए हुए थे और ब्लेंड किए थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए, और इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। और इसमें टमाटर नहीं डालती मैं, इसके अंदर मैं डालूंगी दही। तो इसको जब मैंने इतना भून लिया तो मैंने दही फेंट ली, और दही जो है वो मैं तकरीबन डालूंगी 3/4 कप के बराबर, और फिर जो है मैं इसको बहुत जल्दी जल्दी से इसको मसाले को भूनूंगी, क्योंकि दही डालने के बाद जो है ना, अगर आप जल्दी से तेज़ी से हाथ नहीं चलाते तो दही जो है वो फट जाता है। तो ये बात याद रखिए कि दही जो है ना आपने डालते ही तो जल्दी जल्दी से चम्मच चलाना शुरू कर दें। अच्छा जी, अच्छी तरह से अब मैं इसको उस वक्त तक भूनूंगी कि इसका तेल अलग हो जाएगा और जो मसाला है ना वो बिल्कुल अलग हो जाएगा।
ये मीन्स तेल की निशानी भी देख सकते हैं, तेल अलग हो गया है और मसाला बिल्कुल अलग हो गया। मैं जो है ये जो पाए हमारे गल गए थे, आप देख सकते हैं बिल्कुल गल गए, बिल्कुल ही गल गए। अब वो मैं मसाला मीन्स पाए इसके अंदर सारे शामिल कर दूंगी, यखनी को अलग कर दूंगी और अब मैं इसको भूनूंगी। इतना भूनूंगी कि पानी जो है इसका काफी हद तक कम हो जाए और ये जो पाए है ये इस ये तेल में अच्छी तरह से भुन जाए। अब ये आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से भुन गए। अब मैंने इसके अंदर जो है वो यखनी जो थी वो डाल दी, ठीक है। बस अच्छी तरह से ये अब मैं इसको 10 मिनट के लिए उबालती रहूंगी और इसके बाद मैंने इसमें जो है ना आटा थोड़ा सा पानी में घोल के तो वो इसमें डाल दिया था। जब पाए रेडी हो गए थे तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा चले ये जाके दे आते हैं मेरी सास ससुर को, और ये जो है हम उनको दे के आए क्योंकि मेरे ससुर को पाए बहुत अच्छे लगते हैं। उनको दे के आने के बाद सीरियसली इतनी गर्मी होती है, घर आके मैंने जल्दी जल्दी से बस अफ्तारी बनाई, पाए बने हुए थे। आज हमारा मेन फोकस जो था वो पाए था। पकोड़े जो है वो मैं बाहर से आते हुए ले आई थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, मुझे बिल्कुल हिम्मत ही नहीं थी कुछ बनाने की। और समोसे हमारे घर में पड़े हुए थे तो वो मैंने फ्राई कर लिए। तो अफ्तारी जो है वो हमारी हो गई थी रेडी। और आज जो है वो मैंने अपने अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े टेलर को देने के लिए जाना था और मेरी बेटी के कपड़े जो है वो सिल गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे टेलर ने कहा कि जी आपकी बेटी के हो गए, अब आप ले आए अपने कपड़े। सो आई वाज सो एक्साइटेड। तो ये मैं अपना बैग लेकर जा रही थी, मुझे था कि मैं जाके अपने कपड़े दे। हाँ जी, तो ये अब मैं जब टेलर के पास जाओ ना तो आपको होता है कि जी आप पहले चेक करते हो, तो मैं चेक करती हूँ कि हाँ जी कपड़े उस तरह से सिए हुए हैं या नहीं सिए हुए। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बेटी के बहुत अच्छे उससे सिए हुए थे और उसके बाद मैंने उसको अपने कपड़े दे दिए। एंड मैं उसको यही बोल रही थी कि ऐसा ना हो कि तुम भाग जाओ ईद के लिए। तो उसने मुझे कहा नहीं नहीं मैं आपको देगा, लेकिन वो देरा जो है ना मुझसे मुझे ईद से कोई 2 दिन पहले देर 28वें रोजे का उसने मुझे कहा कि मैं आपको दे दूंगा क्योंकि उसके बाद छुट्टी जा। खैर एनीवेज उसको मैंने टेलर कपड़े दे दिए और देने के बाद हम बाहर निकले तो यहाँ पर चूड़ियाँ थी। चूड़ियाँ मैंने ली नहीं है, बस मैं देख रही थी कि वो तो ऑब्वियसली चांद रात को जाके लेंगे। तो ये आप देखिए चूड़ियाँ जो है ना इतनी प्यारे प्यारे कलर्स की आई हुई थी, इतना वो एक ईद वाइब स्टार्ट हो गई है ना पूरे पाकिस्तान में हो गई होगी। 20वें रोजे के बाद ना आपको ये 20वां रोजा था, पूरे जो है ना आपको हर गली में हर जगह पे ईद स्टॉल्स नजर आते हैं। सीरियसली इतनी ना एक खुशी फील होती है कि जी ईद आ रही है। वो आपको परे वो भी होता है कि जी ऑफ कोर्स रमजान खत्म होने वाली है और ईद आ रही है, बट ये कि ईद की एक अलग खुशी होती है। खैर यहाँ पर ये चूड़ियाँ आप देख सकते हैं बहुत प्यारी प्यारी चूड़ियाँ थी। तो ये सारी चूड़ियाँ जो है वो मैं अपनी बेटी के साथ डिस्कस करी थी कि कौन सी चूड़ियाँ हमें लेनी चाहिए। उसके बाद ये हुआ कि हम इधर आ गए थे, जमील स्वीट ही आई थी यहाँ पर जो है इनकी मेरे हस्बैंड और बच्चों के लिए। मैंने कुल्फी लेनी थी और यहाँ का कुल्फी फालूदा बहुत अच्छा होता है। मैं कराची में हम खाते थे आई थिंक रहमत शीरी और कसरे शीरी, आई डोंट रिमेम्बर, बट उसकी भी कुल्फी फालूदा बड़ा मज़े का होता था। तो खैर मैं यहाँ आई थी तो मुझे था कि चलो इनको इनके लिए कुल्फी फालूदा ले लेते। मैंने नहीं खाया, मैंने सिर्फ एक बाइट ली थी, सिर्फ अपने हस्बैंड के मीन्स जो उनका डब्बा था उससे एक बाइट ली थी। लेकिन अब मैं अगर नहीं खाती ना तो आप लोग मुझे बहुत बोलते हैं आप नहीं खाना, मैं बिल्कुल नहीं खाती, बट लेकिन मेरे घर वाले बच्चे इनको तो बेचारों को नहीं है ना ऐसी कोई प्रॉब्लम, अल्लाह ना करे, तो ये कि उनके लिए फिर लेना पड़ता है। तो ये जो है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम शायद मैंने ये कुल्फी फालूदा खरीदा होगा। हमने शायद 2 साल पहले लिया था, तो उसके वो भी इन्हीं की एक और ब्रांच से लिया था। तो अब आज कहीं जाके मैंने अपने बच्चों के लिए मुझे था कि चलो ले लेते हैं कुल्फी फालूदा, इनका बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है। अगर आप लोग कभी ट्राई नहीं किया तो आप लोग इधर से कुल्फी फालूदा जो है ना वो ज़रूर लीजिएगा। सो इसके बाद ये था कि आज क्योंकि 20वां रोज़ा है और ताक रात थी, तो घर पहुंच के बस बच्चों को जब ये सारी चीज़ें खिला पिला दी, तो पहले तो मैं लेट आज रात मीन्स मैं सोई नहीं, मैं फजर के बाद ही सोई थी। अदरवाइज मैं इशा के बाद मीन्स 11-10 बजे सो जाती हूँ, फिर मैं 5:30 बजे उठती हूँ अपनी नमाज पढ़ती हूँ। तो वो ये कि मैं आपको बताया तो मैं सहरी नहीं करती, तो ये अब आप देख सकते हैं कि आज मैं पूरी रात नहीं सोई थी और मुझे था कि नहीं मुझे जागना है और मैं बैठ के अपना अल्हम्दुलिल्लाह अपना कुरान पाक पढ़ना है और फिर मैंने नफल पढ़ने हैं। और मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ आप लोग को भी सिर्फ ये एक चीज़ मैं शेयर कर रही हूँ, हर बंदा अपनी इबादत ज़्यादा अच्छी तरीके से जानता है। अगर आप लोग इस मौके पे ना अपने उन लोगों को याद रखिए जो इस दुनिया में नहीं है वो उनके लिए दुआ करें, उनके लिए नफल पढ़ें, तो दैट इज़ अ बिग थिंग सीरियसली। सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। जो मेरे दादा दादी नाना नानी जिनकी वफात हो चुकी है, मेरे बाबा सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए ज़िंदगी में, तो मैं ज़रूर करती हूँ। मुझे होता है कि आई फील लाइक ही इज़ वेटिंग फॉर मी। सो ये चीज़ अब देखिए मैं बिल्कुल इमोशनल हो जाती हूँ जब अपने बाबा की बात करती हूँ। तो ये है कि मैं उनके लिए मैंने नफल पढ़ी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया और फिर
सहरी कर लेने के बाद मैंने नमाज पढ़ के मैं सो गई थी। तो खैर ये था मेरा आज का ब्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह टुमारो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।